are you guys doing? Namaskar, assalamu alaikum, hello, hi, welcome to Samarpita Roy's Lifestyle. And as you all know that my vlogs are all about what I do in my daily life and my routines and what I do for my shows and as an anchor, where do I go, how is my shows happening, etc, etc. I normally 1 o'clock या 12:30 बजे तक उठती हूँ, पर आज मैं जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे रेडी होना है शो के लिए और मैक्सिमम मुझे 30 मिनट्स लगता है रेडी होने में. बट स्टिल मैं इतना लेज़ी बिम्बो हूँ कि मुझे कॉफ़ी पीना होता है, फिर मैं लंच करती हूँ, तो ये करते करते ना बहुत लेट हो जाता है. तो मैं ऑलरेडी मैं लंच कम्प्लीट कर चुकी हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड गेट रेडी और फिर मैं निकल जाऊँगी. मैं निकल चुकी हूँ और मुझे अब जाना है सिटी सेंटर 2. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आज का वेन्यू होने वाला है बहुत ही अमेजिंग. सिटी सेंटर 2 ऐसा वेन्यू है, मतलब मेनली इसमें मॉल इवेंट ज़्यादातर होता है एंड कुछ छोटा छोटा बैंक्वेट्स भी है जिसमें कॉरपोरेट शोज या शादी जैसा इवेंट्स भी होता है. पर आज मैं जो इवेंट करने वाली हूँ वो होने वाला है थोड़ा सा अलग. एक्चुअली मुझे अंदाज़ा ही नहीं था जब तक मैं पहुँचने वाली थी, जब मुझे कॉल आया कि कहाँ हो आप, तो तब मुझे पता चला इट इज़ एन ग्रैंड इवेंट हैपनिंग इन सिटी सेंटर 2. देयर इज़ 2 बैंड्स विच इज़ कमिंग टू प्ले टुडे एंड सिर्फ यही नहीं, दे आर गोइंग टू बी 2 सिंगर्स एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सो ग्रैंड. तो मैं ऑलरेडी 35 मिनट्स लेट हूँ और मुझे इतना सारा कॉल आ चुका है कि क्लाइंट इज़ शाउटिंग, क्लाइंट गुस्सा है, आप कहाँ हो, क्या हाल में हो, कहाँ पर हो. तो इट्स लाइक लिटरली नाउ आई एम नर्वस. मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर मुझे ये पता है कि इवेंट 7:30 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा लेट एंकर्स हैं जो बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, इसीलिए ये डराया जाता है थोड़ा बहुत हम लोग को. तो मैं एक्चुअली नॉर्मली लेट नहीं होती हूँ. मुझे नहीं समझ आया कि मैं इतना लेट कैसे हो गई. मतलब एयरपोर्ट का रास्ता से आप कभी भी लेट नहीं हो सकते, मतलब इतना खाली रहता है. आज इतना जाम था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं इतना लेट होने वाली हूँ. एनीवेज मैं पहुँच चुकी हूँ एंड पहले मुझे बोल दिया गया जैसे मैंने एंटर किया, नो वीडियोज़ अलाउड मैडम. पर कौन सुनता है, मैं तो सुनने वाली में से नहीं हूँ. हर जगह वीडियो नहीं लेना है, ये नहीं करना है, फ़ोटो नहीं खींचना, तो करूँ तो क्या करूँ. मैं तो कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ ना कोई गलत चीज़ का फ़ोटो ले रही हूँ. मैं अपना इवेंट में आई हूँ उसका फ़ोटो ले रही हूँ, अब वो भी नहीं लूँगी तो करूँगी क्या. सो नाउ यू कैन सी द सेटअप, यू कैन अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी रियली ग्रैंड एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बस ये हुआ है कि मुझे फोटोग्राफर लेके आना चाहिए था क्योंकि मेरा एक खुद का टीम है जो मेरा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करता है. एंड नाउ बात करते करते मैं पहुँच चुकी हूँ उनका ऑफिस में. ऑफिस में ऑलरेडी डिटेल्स मैंने लिख लिया है. नाउ इट्स टाइम कि मैं थोड़ा सा खा लूँ क्योंकि उन्होंने खुद ऑफ़र किया और बोला कि मैम आपके लिए रखा गया स्पेशली मोमो ताकि आप अच्छा से काम कर पाओ. सो दे ऑलरेडी ऑफर्ड मी द मोमो, सो इट वॉज़ अ गुड मोमो. सो वाओ, मोमो से मोमो तो ऑफकोर्स अच्छा ही होता है. मज़ा आया, थोड़ा बहुत खाया मैंने. मैंने एक्चुअली एक पैकेट में 5 पीस करीब होता है, 6 या 5 करीब होता है, बट आई जस्ट हैड 3 पीसेज एंड आई आस्क्ड द अदर पीपल टू ऑल्सो हैव इट बिकॉज ऑफ़र करना ज़रूरी है दोस्तों. इतना भी बदतमीज़ नहीं हो सकती हूँ मैं. बिफोर गोइंग ऑन स्टेज मुझे ऑलवेज चाहिए होता है 1 कप ऑफ हॉट ब्लैक कॉफ़ी, जो मुझे मिल गया है. अब मैं पी चुकी हूँ, अब मैं चढ़ूंगी स्टेज में एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द शो. एवरीवन गेट अप. Ladies and gentlemen, girls and boys out here, namaskar, assalamualaikum, hello, hi, and this is your host for today, Samarpita. So as you all know, City Center 2 presents today the musical evening, event partner Dhatura. So now we are here and we are here to celebrate. एंड आप देख ही पा रहे हो कि कितना सही तरीके से सेटअप किया जाता है, क्या क्या होता है. एंड वी हैव अ टोटल प्रोसीजर दैट एज आई एम बुक्ड दे पे मी एन एडवांस, अ स्मॉल टोकन ऑफ एडवांस. उसके बाद जब मैं स्पॉट में जाती हूँ दे गिव मी द फुल डिटेल्स. और फिर अगर आपने मेरा पुराना वीडियोज़ नहीं देखा है फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है इवेंट के बारे में जानने में, बट इफ़ यू नो
एंड इफ यू हैव सीन माय ओल्ड वीडियोस फिर आपको दिक्कत नहीं हो. देयर इज अ होल लॉट ऑफ प्रोसीजर. फर्स्ट यू गो, यू कम टू द इवन स्पॉट. इफ यू आर रेडी देन गुड. फिर आप डिटेल्स लिख लेते हो, एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसे पढ़ लेते हो. ऑफकोर्स यू कैन कैरी द स्क्रिप्ट ऑन स्टेज, बट मेक श्योर कि आप उसे रीड करके चलो, क्योंकि उसमें बहुत सा नाम होता है. मे बी इट कैन गेट लिटिल डिफिकल्ट ऑन स्टेज बिकॉज ऑफ द लाइट्स, एंड देन देर आर लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स आर रिटन. बहुत सा टाइम होता है ना कंपनी का बारे में डिटेल्स लिखा होता है, तो वो सब को आपको बहुत ध्यान में रखते हुए बोलना पड़ता है. तो इसीलिए मैं जब भी काम करती हूँ मैं बहुत फोकस रहती हूँ. अगर आप कोई भी कंपनी इवेंट या कोई भी वेलफेयर्स में कनेक्टेड हो और आप वहाँ काम करते हो, तो मेक श्योर कि आप हैप्पी हो. क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहोगे, जब आप काम करना चाहते हो और वो जगह से आप खुश नहीं हो, वो माहौल से आप खुश नहीं हो, मे बी आप जो काम करते हो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि आपको सिर्फ पैसा चाहिए इसलिए आप कर रहे हो, फिर कहीं ना कहीं वो आपको ना पीछे ही लेके जाएगा. सामने आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत फोकस रहना होता है. बहुत ज़्यादा जो चीज़ आप करते हो ना उससे प्यार करना होता है. मतलब लिटरली मैं जो काम करती हूँ मुझे इश्क है वो चीज़ से. आई लव माई वर्क एंड इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी प्राउड कि मैं आज एटलीस्ट महीने में नई नई करके भी 4 शोज़ तो करती हूँ. 4 शोज़ वर्थ इट होता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काम करना. एंड आई मेक इट श्योर दैट वेन एवर आई एम ऑन स्टेज आई शुड बी परफेक्ट एंड शुड बी हैप्पी अबाउट वॉट आई एम डूइंग. तो मैं इंजॉय करती हूँ, मैं जो भी शोज में रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है. एंड मेनली द शोज लाइक दिस, मतलब ऑडियंस लाइव बैंड लाइव सिंगर्स, आपको ऑलरेडी एक वाइब आ जाता है. मतलब आप खुद ही जंप करने लगते हो, डांस करने लगते हो, वीडियोज लेने लगते हो, क्योंकि लाइव ऑडियंस जब आपको सुनता है ना आप कोई भी शब्द गलत नहीं बोल सकते. बिकॉज एवरी वर्ड हैज़ अ मीनिंग एंड व्हेन यू आर ऑन स्टेज एवरी वन इज़ लिसनिंग. सो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट अबाउट योर वर्क. एंड ये करते करते अब इवेंट होने वाला है ख़त्म और मैं जाने वाली हूँ घर. तो चलो, इवेंट ऑलमोस्ट ओवर है. थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लेट मी नो दैट मेरा वीडियोज आपको कैसा लगता है. So stay tuned for the next video. Love you all. Mwah. तो मैं उतर रही थी और सडनली एक लड़की मिल गई. शी वॉज एक्चुअली कम्प्लीमेंटिंग मी फॉर माई वर्क एंड शी वॉज सेइंग लाइक, मैम मैं आपके तरह काम करना चाहती हूँ, काश मैं वीडियो ले पाती यार. आप लोग शायद ट्रस्ट नहीं करेंगे बट सीरियसली शी सेड कि मैम आपका तरह काम करना चाहती हूँ, कैन यू हेल्प मी. तो आई गिव हर अ लिटिल बिट ऑफ फेसबुक कॉन्टैक्ट्स एंड मैंने उनको बोला कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, मैसेज करो, मे बी यू कैन स्पीक टू देम एंड इफ दे गिव यू अ शो देन ऑफकोर्स मज़ा ही मज़ा. वर्क एंड स्टे हैप्पी. तो फिर ये बोलते हुए मैं निकल गई वहाँ से एंड देन आई डायरेक्टली केम होम. एंड देखो यार कितना टेस्टी लग रहा है पोच. एक्चुअली मुझे अंडा खाना बहुत पसंद है और 2020 के बाद से मैं बहुत सारा एक्चुअली मुझे अंडा खाना पसंद है. आई लव इट. सो एवरी वन थैंक यू फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. देखते रहो, खुश रहो, आवाज़ रहो.